नमस्कार अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है मैं हूं साजिन शर्मा हमारे साथ आज डेराबसी से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है दीपेंद्र सिंह ढिल्लो उनकी श्रीमती रुपिंदर कौर ढिलो जो प्रचार के लिए निकली हुई है और उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है प्रचार की उनसे आपको रूबरू करवाते करुण हैं आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से जो है वो चुनाव में पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ ये चुनाव की कमान संभाल रहे हैं मैडम स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश में बहुत 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 धन्यवाद आपका और ये जो मैं कर रही हूँ कैंपेन दपेंद्र ढिलों के लिए ये मैं नहीं समझती कि ये कैंपेन मैं समझती हूँ मैं अपने परिवार के लोगों से मिल रही हूँ और उनसे बेनती कर रही हूँ कि हम परिवार कट्ठे रहें और कट्ठे होकर हम आगे बढ़ें ताकि हम इस हलके के लिए हम कुछ काम कर सके कोई पॉजिटिव चीज़ लाएं जो कि इतने सालों में अभी तक तो वो नज़र नहीं आया जो पिछले पंद्रह साल से एन के शर्मा जी बैठे हैं कमेटी भी उनके पास है सब कुछ है पर कोई काम नहीं दिख रहा यहाँ पर जो इन्होंने पोस्टर लगाए हुए विकास किया है विकास करेंगे विकास कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा मेरा ख्याल वो लोग भी जो यहाँ जीरकपुर के जो मैं देखती हूँ लोग वो सब अब यही कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए कि अभी तक कोई काम नज़र नहीं आया और हमें हमें ये होप है ढिलों साहब से कि ये काम करवाएंगे और ये चीज़ लेके मैं आगे चल रही हूँ कि ये अब हमारा परिवार अब ये काम करेगा पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ मतलब दूसरी तरफ आप जो है इस फ्रंट के ऊपर भी आगे चल रहे हैं और ये जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं तो किस तरह से फील कर रहे हैं इस सारे कंटेस्ट में बहुत पॉजिटिव लग रहा है रिस्पांस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सब लोगों से और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि लोग इतनी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं तो किस तरह के मुद्दे मैडम सामने लोग उठा रहे हैं जनरली तो डेवलपमेंट के ही मुद्दे हैं कि ये जैसे गली नालियाँ हो गई या सीअरेज है ड्रेनेज है कि यहाँ पर ये कुछ भी नहीं हुआ हुआ है और इन छः महीनों में जब से हमारी कमेटी है हमारा प्रधान है तब से काम शुरू हुए हैं और लोगों को ये नज़र आ रहे हैं और वो इस बात पर खुश है कि एटलीस्ट एक शुरुआत तो ही है कामों में तो अगले चार साल में जब तक हमारी कमेटी अभी चार साल और है कि उम्मीद है कि बहुत अच्छे काम कर सकेंगे आपने कुछ जगहों पे अभी जो है प्रचार के दौरान एक मुद्दा उठाया कि टेंडर टेंडर जो है प्रक्रिया को रुकवा दिया गया आपके विपक्षियों के द्वारा तो वो क्या मसला है वो मसला ये है कि एन के शर्मा जी को लग रहा था कि अगर ये टेंडर सारे पास हो जाएंगे तो बहुत काम शुरू हो जाएंगे और लोगों को नजर आ जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया और ये काम करवा रहे तो उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठा के और उन्होंने कंप्लेंट किया था उदयवी ढिल्लों के खिलाफ कि ये टेंडरों में गड़बड़ी कर रहे हैं करप्शन कर रहे हैं और फिर वहाँ पर रेड पड़ा था म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस में और उन्होंने एक एक कागज़ चेक किया ईच एंड एवरी सिंगल पेपर पर उसमें उन्होंने उनको एक रुपये का भी कोई करप्शन नहीं नज़र आया बट इसका रिजल्ट किया हुआ कि जब वो रेड पड़ना था वो जब कंप्लेंट आई तो टेंडर्स पे स्टे लग गया अब वो टेंडर्स पे स्टे लग गया तो नेचुरली फिर वो काम हो नहीं सके और वही उनका दैट इज दैट व्हाट वॉट मिस्टर शर्मा वॉन्टेड कि ये स्टे लग जाए काम हो ना पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कुछ दिनों से और वो ट्रेंड ये है कि पारिवारिक झगड़ों को जो है इस पॉलिटिक्स में निकाल के ला रहे हैं विपक्षी तो क्या आप इस, इसके ऊपर आपका क्या कहना है मैं समझती हूँ कि ये बहुत घटिया तरीके की पॉलिटिक्स है जिस चीज़ में ढिलों साहब ने कभी इस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया और ये शर्मा जी ने ये बात शुरू करी है कि जो हम जो हमारा पारिवारिक मामला है वो इन्होंने उसको पॉलिटिकल स्टेज पर लाए हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था जिसमें उन्होंने एक ढिल् साहब के चाचा जी की बेटी है जिनको ये अपने स्टेजों पर लेकर घूम रहे हैं और जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ढिल्लों साहब ने हमारा मेरी प्रॉपर्टी को कब्ज़े में ले लिया वट एवर और मेरा खैर जितने भी लोग ढिल्लों साहब को जानते हैं वो इस चीज़ को पक्की तरह जानते हैं कि ढिलों साहब कभी ऐसी बात कर नहीं सकते कि वो तो अपनी चीज़ दे के इतने इलेक्शंस लड़े हैं इतना हल्के के लिए किया है अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के की है तो वो किसी की प्रॉपर्टी क्यों लेंगे वो किसी का हक मारना नहीं जानते ये जो शर्मा जी खुद है ना वो समझते सब वैसे ही हैं। so, ये चीज दिस एक जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि प्रचार के दौरान सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल हो रहा है तो किस तरह से वहाँ कमान कौन संभालता है क्योंकि आपके बेटे और आपकी बहू भी जो हैं उसमें इन्वॉल्व हुए हुए, हुए हैं सारा तो क्यों कौन कौन कहा, कहाँ कहाँ किस तरह की, की जिम्मेदारी संभाल रहा है आ, बेटा और बहू तो जहाँ तक हम सब तो ये कैंपेनिंग डोर दो टू डोर में लगे हुए हैं जो सोशल मीडिया है वो हमारे जो परिवार के दूसरे अपने हल्के के परिवार है वो संभाल रहे हैं हम तो सिर्फ अपना लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं डोर दो टू डोर जाकर शहर की जनता को आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे शहर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सबको मैं ये बेनती करती हूँ हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि इस दफ़ा आप ढिल् साहब को ज़रूर जिताइए और क्योंकि आपने पंद्रह साल में देख लिया कोई आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला फ्रॉम द गवर्नमेंट तो इस दफ़ा ढिल्लों साहब को जिताइए और जितने काम आपके ज़्यादा से ज़्यादा ढिलों साहब कर सकते हैं वो करेंगे इस चीज़ का मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है ये बेनती है कि आप ढिलों साहब को जिताइए पारिवारिक विवाद की जो बात मैडम अभी फिलहाल आपके इसमें उठ रही है इलेक्शन में उसको लेके जो है आपका और परिवार कहाँ पे चल रहा है ये जानना चाहता हूँ जी जो ढिलों साहब के चाचा जी है जिनकी बेटी शर्मा जी के साथ चल रही है वो चाचा जी हमारे साथ हैं वो अगर आप जाके देखेंगे जीरकपुर दफ्तर में दफ्तर उन्होंने संभाला हुआ है और जो बाकी की फैमिली है वो भी हमारे साथ है ढिलों साहब के साथ है जो ये बेटी है इनकी गुनिंदर कौर ये शुरू से ही अलग है इनको चाचा हमारे चाचा जी ने डिसोन किया हुआ है क्योंकि उसका जो रवैया है सारे परिवार की तरफ अपने फादर की तरफ इतना गलत व्यवहार है अपने फादर को वो गालियाँ निकालती है अपने फादर को वो कुटवाती है सब कुछ है अगर वो अपने फादर के साथ ये कर सकती है तो फिर डिलो साहब तो किस गिनती में आते हैं ये आप समझ सकते हैं एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो इलेक्शन है एक तो ये बड़ा महंगा अफेयर बनता जा रहा है और दूसरा जो इसमें प्रत्याशी उतर रहे हैं उन प्रत्याशियों के ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं ये ए की रिपोर्ट कहती है और चुनाव आयोग को और सरकार को भी रिपोर्ट है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मतलब आपका कि क्रिमिनल जो है जी, जी, जी. इसके बारे में ये ये कहना चाहूँगी कि जब ढिल्लों साहब ने अपने कागज़ फाइल करे नॉमिनेशन पेपर्स तो मैं साथ में थी एज अ कवरिंग कैंडिडेट तो वन एस देख रही थी कागज़ तो उसने एक सवाल पूछा ढिल्लों साहब से एनी क्रिम नो क्रिमिनल ऑफेंस सो so ढिलों साहब ने जवाब दिया नो वो एक दफ़ा फिर देख के कहने नॉट इवन एन एफ आई ढिल्लो साहब कहते नो सो so बड़ी हैरान हुई सो so, आपको इससे पता चलता है कि ढिल्लो साहब की कितनी साफ शख्सियत है कि उन पर एक एफआईआर भी दर्ज नहीं है और जो बाकी हमारे कैंडिडेट तीन या चार जो भी है सब पर क्रिमिनल ऑफेंसेस है कोई फ्रॉड का है कोई 307 का पर्चा है जो भी है सब पर क्रिमिनल ऑफेंस है एक ढिल्लो साहब है जिनकी साफ़ सुथरी शख्सियत है तो मैडम ढिल्लो का कहना है कि ढिल्लो साहब के ऊपर किसी भी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं है उनकी स्वच्छ छवि है और उस छवि को लेके ही वे लोगों के बीच जा रहे हैं दूसरे अन्य उम्मीदवार जो है उन उम्मीदवारों के ऊपर कई तरह के जो है एफ दर्ज हुए हुए हैं अलग अलग मामलों में साजिन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए धन्यवाद ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।